प्रसिद्ध भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री पायल चौहान ने अपनी असाधारण प्रतिभा और समर्पण उद्योग में अपनी जगह बनाई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जन्मी पायल एक मध्यवर्गीय हिंदू परिवार से थी, लेकिन उन्होंने अभिनय उद्योग में अपना करियर बनाने के बड़े सपने संजोए थे। उनकी यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मुंबई जाने का फैसला किया। हालांकि शहर में उनके शुरुआती दिन चुनौतियों से भरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने अपने रंग के कारण अस्वीकृति का सामना करना पड़ा था। असफलताओं से विचलित हुए बिना पायल कायम रही और 4-6 महीने के संघर्ष के बाद उन्हें इंडस्ट्री में छोटी भूमिका मिलनी शुरू हो गई। उनके करियर में महत्वपूर्ण मोड़ 2007 के टीवी रियलिटी शो सपना बाबुल का विदाई से आया, जहां उन्होंने मुख्य महिला किरदार रागिनी रणवीर राजावंश का किरदार निभाया। इस भूमिका ने न केवल उन्हें पहचान दिलाई बल्कि उन्हें एक बहुमुखी और प्रतिभाशाली अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। इसके बाद पायल ने 2009 में डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 3 में अपने नृत्य कौशल का प्रदर्शन किया और अपनी उपलब्धि में एक और उपलब्धि जोड़ ली। रिश्तों से बड़ी प्रथा पुनर्विवाह, एक नई उम्मीद और ये रिश्ता क्या कहलाता है, जैसे लोकप्रिय धारावाहिक में एक जाना पहचाना चेहरा बनने के बाद उनका करियर लगातार फलता फूलता रहा। उनके द्वारा निभाई गई प्रत्येक भूमिका ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा और विभिन्न पात्रों में खुद को डुबाने की क्षमता का प्रदर्शन किया। ये व्यक्तिगत मीत के पत्थर में पायल चौहान ने 3 साल तक डेटिंग के बाद 12 सितंबर 2018 को टेलीविजन अभिनेता चिराग ठक्कर के साथ शादी के बंधन में बंध गई। उनकी प्रेम कहानी 2015 में शुरू हुई जब वे पहली बार एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले। अपनी ऑन स्क्रीन सफलता के अलावा पायल मनोरंजन उद्योग में लचीलेपन, प्रतिभा और दृढ़ संकल्प की अपनी यात्रा से प्रेरणा दे रहती है। उन्होंने 2009 और 2010 में स्टार परिवार अवार्ड से पसंदीदा बहू और पसंदीदा भाभी पुरस्कार जीता है। 2008 में पायल को इंडिया टेली अवार्ड में बेस्ट लीड रोल एक्ट्रेस का अवार्ड मिला।